के बाद आपका खैर मकदम है। इत्तेहाद मिल्लत शिया तंजीम के बानी और मारूफ आलम दीन मौलाना अब्बास अंसारी आज सुबह इज़दार फ़ानी से रुखसत हो गए। बड़ी तादाद में लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। मौलाना अब्बास अंसारी ने हमेशा इत्तेहाद मिल्लत और इंसानियत के लिए काम किया। मौलाना की तदफीन उनके आबाई मकाम नौकदल श्रीनगर में अमल में आई। हकीकी इस्लामी मकसद था, उसकी तरफ इन्होंने हमेशा रहनुमाई फरमाई है। और ये जो उनका एक अपना रोल था मिल्लत को और कौम को यकजहती देने के लिए, वो सबसे बहुत अहम था। मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी साहब जो एक बहुत ही बरजस्ता शख्सियत थी, एक आलिम दीन थे और इत्तेहाद इस्लामी के बहुत ही ज़बरदस्त अलमबरदार थे। कश्मीर में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है ताकि मुसलमानों के दरमियान आपस में इत्तेहाद कायम दायम रहे। मौलाना अब्बास अंसारी के इंतकाल पर वादी के मुख्तलिफ अदीब शौरा माहिर तालीम ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरहूम अब्बास अंसारी की इल्मी और अदबी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके इंतकाल पर हुए खला को पुर करना मुश्किल है। पूरी कौम के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौलाना अब्बास अंसारी सियासी शख्सियत होने के बावजूद एक कायदुल मिसाल आलिम और मुबल्लिग भी थे। कि एक आलिम की मौत जो है ये पूरे कौम और पूरे मिल्लत के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। भी हैसियत से उनका मर्तबा बहुत बुलंद था और एक रिसाला निकालते थे वो सफीना नाम का, जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी वो काबिल कदर और हमेशा याद रहेंगी। कश्मीरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। उनकी अदबी खिदमत कई सदियों तक कश्मीर में याद की जाएंगे और उनकी वसादत से ही कश्मीर के रूहानी और इल्मी माहौल को बाहर भी पहचाना जाएगा।